मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत बंद के दौरान हुए हिंसा और कोतवाली पर पथराव के घटना के बाद अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके मकान पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी पूर्व सदर सहजाद हाजी के आलिशान मकान पर मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर की गई है। उन्होंने उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और हर गली कूच पर पुलिस तैनात है। वैसे ये बुलडोजर चलाने की व्यवस्था यूपी में ज्यादा प्रचलित है। योगी आदित्यनाथ ये कार्रवाई अक्सर करते नजर आते हैं। जब भी कोई कानून को हाथ में लेता है तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है। हालांकि अब मध्य प्रदेश में ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद वहां पर उपद्रवियों पर अपराधियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करी। इसके बाद एसपी अगम जैन ने कहा कि हमने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। यह कार्रवाई एक उदाहरण है कि जब भी कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो उससे बच नहीं पाएगा। पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। जो उपद्रवी थे उसमें से 3-4 लोग थे, उनका घर चिन्हित किया गया, जिसमें मुख्य हाजी शहजाद है और उनके घर पर प्रशासन पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई की है। जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और कानून व्यवस्था सामान्य। आप मध्य प्रदेश की बुलडोजर कार्रवाई पर क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक